वेलकम टू माय चैनल शमय उर्दू हिंदी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का NIOS का 211 जिसका कोड नंबर है, और चैप्टर 1 के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्स के बिहाफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आते हैं। डीपली भी पढ़ सकते हैं आप मुझसे, अब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और आते हैं, इसे डीपली भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बार चाह रहा हूँ कि शॉर्टली सारे चैप्टर मेन मेन चीज़ें उसकी समझा दूँ, फिर उसे दोबारा से वीडियो में वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे चैप्टर जो है वन बाय वन दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी और उर्दू और इंग्लिश दोनों में करूँगा, तो नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर हमारा हल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई करना है इसके अंदर। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसके अंदर, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। इसको इससे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर प्लस कर दिया जाएगा। तो 5 3 होता है 15, 15 और 1 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16/5 और +7/5 वो -13/6। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, यानी 16 और 7, और ये होगा आपके 5 और ये -13/6। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ। उसके बाद जो है इनको प्लस कर लेते हैं, 16 और 23 7 होते हैं भाई 23, तो ये हो गया हमारा 23/5 और -13/13/6। तो अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए दो तरह से होता है, मैं दोनों मेथड आपको यहाँ पे सिखा दूंगा क्योंकि दो मेथड हैं इसकी। अगर मैं एक सिखाऊंगा एक छोड़ दूंगा तो वो गलती होगी, वो आपके साथ नाइंसाफी होगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों बता दूँ। तो पहले एक बता देता हूँ, पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे इससे इसे इससे, और इन दोनों को आपस में नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाले को, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, उर्दू में बोलते हैं शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। ठीक है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 23 को करना है 6 से और 13 को करना है 5 से, और नीचे दोनों को करना है 5 और 6 को। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखिए इनका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। अब इन दोनों का आंसर जो है भाई, 23 को 6 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 138, 13 पंजे होते हैं 65, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। 138 में से 65 को आप माइनस करके देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 8 में से 5 गए 3 बचे, 13 में से 6 गए 7, यानी 73/30 ये आपका, क्योंकि आप किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर है। एक तो ये सिंपल मेथड है, और अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आ रहा तो भाई एक मेथड और है वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आंसर आ गया हमारा, जहाँ तक आ गए थे हम 23/5 और -13/6, इसमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लो 5 और 6 का, तो 30 आएगा। तो भाई इसे 30 करने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 30 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा, 23 को हमने 6 से करा तो इसका आ गया 138, और इसको इससे करा तो ये 30 है, और इसको इससे करा तो ये 65 है, ये करा 30 है, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो एक बार ले लेंगे 138 -65 और 30, फिर आ गया 73/30, वही आंसर है, लेकिन इसका जो तरीका है वो दूसरा है। तो ये था पहला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए आएंगे, एक्सरसाइज के अंदर आप देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी भाई यही है, हल कीजिए यानी सिंपलीफाई करिए। तो इसके अंदर भी क्या है, पहले ये वाले कर लेते हैं और फिर डिवाइड वाला करेंगे। पहले इन दोनों को कर लेते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, जब हम, आप देखिए ना इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको इससे और इसको इससे और नीचे वालों को आपस में। तो मैंने यहाँ पे करा 2 × 8 प्लस और 7 × 3 और इनको आपस में, 3 8 कितना होगा भाई, 3 × 8, ब्रेकेट क्लोज कर देता हूँ, × 8/25। और अब देखो इसे भी तो आगे करना है ना, अगर इसे मल्टीप्लाई में करना है तो ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी नीचे का जो होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का होगा वो नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया 15/37। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से बढ़िया से। तो अब यहाँ पे 2 को 8 से करा तो आपका 16 आ गया, और 7 को 3 से करा तो 21 आ गया, और 3 को 8 से करा तो 24 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अगला अगला स्टेप्स, ये तो यही रहा इंटू 15 का 15 ही रहा और ये अपनी जगह रहा। इसके बाद इन्हें प्लस कर देते हैं, प्लस करने के बाद आपका आ गया 16 और 21 होते हैं 37, 37 बटा 24 और इसे डिवाइड कर लेते हैं 5 3 15, 5 5 25, ठीक है जी। 5 से चला गया है तो ये हो गया आपका 8/5 और 3/37, ठीक है जी। 37 से 37 कैंसिल हो गया, ठीक है पूरा पूरा। और यहाँ से जो जा रहा है 3 × 3 3 8 24 हो गया, 8 × 8 8 × 8 हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/5, क्योंकि ऊपर एक ही बचा है और नीचे खाली 5 ही बचा है। इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई रिवर्स करना, इसमें याद रखिए जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, ये बात समझने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद है भाई किसी नंबर को 13/3 से ज़रब करने पर 39/12 हासिल होता है, इस नंबर को मालूम कीजिए, ठीक है। उस नंबर को आपको क्या करना है पता करना है, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। अब देखो वो नंबर मुझे पता नहीं है तो उसके सवाल के मुताबिक सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश में और उर्दू वाले उर्दू में, यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट द नंबर, नंबर को क्या मान लिया मैंने एक्स, और उर्दू वाले लिखेंगे मान लो नंबर क्या है वो एक्स, ठीक है। दोनों को बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से लिखेगा। अब ये बात तो दोनों में सेम ही लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी उर्दू वाले लिखेंगे सवाल के मुताबिक, ठीक है भाई। अब क्या लिखेंगे भाई एक्स इंटू 13/3, यानी किसी नंबर को, अब वो कोई नंबर है नहीं तो मैंने 13 मान लिया, ज़रब देने पर क्या मिलता है हमें 39/12। अब इसको ये इधर जो है आप जानते हैं जब ये इधर प्लेस बदलेगा अपना तो ये रिवर्स हो जाएगा, है ना, रिवर्स होना ही होना है जाहिर सी बात है। तो इसे हम इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा भाई आपका रिवर्स 13/12 और ये इधर आया तो ये हो गया 3/13। अब इसके बाद इसे डिवाइड कर लेते हैं 3 × 3 3 × 12 13 × 13 13 39, तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 3/4, इससे आगे हो नहीं रहा तो यही हमारा आंसर है, यही एक्स की वैल्यू है, ठीक है जी। ये सवाल समझ में आ गया आपके कैसे रिवर्स करना है, जब रिवर्स करेंगे एक जगह से इक्वल के साइन के मतलब बराबर के साइन को उधर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी जो 13 ऊपर था वो नीचे चला जाएगा और जो 3 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने का दोबारा तरीका याद रखिए कि ऊपर नीचे एक ही टेबल से, अगर जैसे 4/4/2 एक तरीके, अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं 4 × 4 2 × 2, गलत, ये प्रोसेस गलत है। आप करेंगे 2 × 2 2 × 2 4, यानी ऊपर नीचे एक ही टेबल से काटना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसी का भाई चौथा क्वेश्चन है कि 0.6666 और आगे डेढ़ डॉट डाला मतलब आगे तक को P/Q की शक्ल में लिखो, यानी एक्सप्रेस 0.666 इन P/Q फॉर्म, यानी बटा की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको आप देख लें, देखो ये अगर इस तरह से आ रहा है ना तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ x=0.6 और ऊपर बार, इसका मतलब लग रहा है ये आगे तक जा रहा है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो अगला सवाल है आपको लिखना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, बोथ साइड बाय 10। अब आप सोच रहे होंगे भाई 10 से क्यों करा, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है ना नंबर एक ही बार बार हो रहा है, मतलब 6 ही है वही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर दो नंबर रिपीट होते बार बार तो 100 होता, तीन नंबर रिपीट होते बार बार तो 1000 होता, तो यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इस वजह से दोनों जानिब 10 से ज़रब करेंगे। ये बात लिखनी है उर्दू वालों को, उर्दू में यहाँ पे लिखेंगे आप दोनों जानिब 10 से ज़रब करेंगे, ठीक है भाई। तो दोनों जानिब 10 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे x था तो ये हो जाएगा 10x, और जब 0.6 जो है वो ये जो 0.6 है ये 10 से जब ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 6
करके देख लिया, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यानी और उर्दू में वाले लिखेंगे पहले और दूसरे से। अब इनको क्या करना है, पहले और दूसरे को, पहले पहला वाला उतार लो यानी 10 है ये वाला जो अभी आया 6.6, और इसके बाद छोटा वाला उतार लो 0.6, और उसके बाद इसे कर दो माइनस, ठीक है जी। 6 में से जो इसमें से 1 आया तो 0, 6 का 6 आ गया, 10x में से 1x गया तो 9x हो गया। अब 9x इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 6 3 × 9 एक्स की वैल्यू आ गई भाई 2/3, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो ये मैंने इस चैप्टर के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपको, जो कि हर लिहाज से इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो अभी तक जिनको उर्दू में पढ़ना है डीपली भी पढ़ाएंगे, फिलहाल हम इस तरह शॉर्ट में हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। शुक्रिया।